थे और थोड़ा सा बताइए कि एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर कैसे थे सर? थोड़ा कैमरा लुक दीजिएगा सर। चैलेंजेस तो बहुत सारे थे एक्चुअली देखा जाए तो, कि जैसी सॉन्ग हमने पहली बार सुना तो इसको बहुत अच्छा सॉन्ग था ऑब्वियसली और ये बहुत अच्छा था, उसके पीछे जो कहानी मैंने लिखी थी उसको पर्दे पे लाना बहुत डिफिकल्ट जॉब था। यस बट प्रशांत एज ए प्रोड्यूसर इज वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जैसा मैं बोलता हूँ उनको यस मैन हर चीज के लिए यस यस। एंड उनको खुद को ही फीचर मुझे कराना था इस पे, तो बहुत सारे चैलेंजेस यस मुझे थे बट सीमलेसली हर एक चीज सॉल्व होती गई। लोकेशन हमें अच्छे अच्छे मिल गए सब एंड एक्ट्रेस हमारी बहुत अच्छी थी, तो एवरीथिंग फेल्ट इन राइट प्लेसेस बिकॉज मुझे भी पता है कि इनका एक्टिंग स्किल्स कहाँ तक मैं उनको पुश कर सकता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था मुझे एक्टिंग करवाना, तो वो मुझे पता है कि कैसा मैं उनको कंट्रोल रख सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम बिकॉज दिस इज एन इमोशनल सॉन्ग, वो इमोशन आना बहुत जरूरी है गाने से, नहीं तो फिर इसको कुछ नहीं। हाँ एक बार डांसिंग नंबर हो गया तो उससे कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी करा लो इंजॉय हो जाए, बट इमोशन से कनेक्ट करना बहुत टफ था। बट आई एम श्योर कि निकल गया वो अच्छी तरह, एडिट में भी मैंने अच्छी तरह से उसको कंट्रोल करके एंड एट द एंड ऑफ द डे आई एम सेटिस्फाइड कि हमने किया वो, इट्स सेटिस्फैक्ट्री। सर आप बताइए कि कौन सा जॉब सबसे ज्यादा इजी है या डिफिकल्ट है, एक्टिंग या प्रोड्यूस? प्रोड्यूस करना सबसे ज्यादा इजी है, बस अकाउंट खोलो, ट्रांसफर करो, खत्म करो। एक्टिंग इज ए टफ जॉब एंड सीरियसली अजय को बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुझे इस गाने में अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा फीचर करने के लिए। ही ट्राइड हिज बेस्ट, आई ट्राइड माय बेस्ट और रिजल्ट आप लोगों के सामने। सो लेट्स सी। सो अगर फीचर करने की बात करें, क्या तैयारियां की थी, क्या प्रिपरेशन की थी? जैसे आपने कहा कि प्रोड्यूस करने का जॉब इजी होता है लेकिन एक्टिंग आपको करनी थी इस गाने में, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी उसके लिए? वेल कोई भी गाना शूट करना होता है सारी प्रिपरेशन होती है, म्यूजिक से लेके एंड प्रोडक्शन तक, प्री प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन, देन पोस्ट प्रोडक्शन, देर आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो कि हमें करनी पड़ती है। एंड अजय के साथ सबसे अच्छी बात जो होती है कि मैं सर ही इज आस्किंग यू कि आपको क्या एज एन एक्टर क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? ओके सॉरी, एज एन एक्टर मुझे प्रिपरेशन, अजय मुझे जो भी सीन्स देते थे सो उसका होमवर्क मैं रूम में जाके प्रैक्टिस करता था, उस सीन को पर्टिकुलर करने की कोशिश, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। आई ट्राइड माई बेस्ट एंड देन कैमरे पे आके हाँ टेक्स होते थे, बट अजय मैनेज इट वेरी वेल। अजय जी कैसा कोलेबरेशन है आप दोनों का, थोड़ा सा उस बारे में बताइए और कब से जुड़े हैं आप लोग साथ में? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये हो कम से कम 1.5 साल का कुछ कोलेबरेशन है हमारा, इसके पहले भी हमने 2-3 म्यूजिक कर चुके एंड इट्स नॉट जस्ट इन प्रोफेशनल बट एक पर्सनल भी अटैचमेंट हो गया, इट्स लाइक ए ब्रदर भी है हमारा फीलिंग। बट मजा आता है एक टाइम की, इट्स नॉट जस्ट की प्रोफेशनली हम प्रोफेशनल बात करते हैं, हम पर्सनली भी इट्स लाइक ए फैमिली टू मी। हम उनके घर पे गया था, दिल्ली में उनकी फैमिली से मिला, इट्स ए वेरी बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है एंड इट्स ए वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप एंड अच्छा लगता है कि अगर कुछ ऐसा कुछ काम करे और उनसे अप्रिसिएशन मिले तो वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आई एम श्योर कि आगे और ये रिलेशनशिप अच्छा बनते रहे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते रहे एंड इंशाल्लाह वी कैन अचीव एवरीथिंग दैट वी वांट। सर लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, आप दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया था, क्या क्या तैयारियां की थी? वेल उसके लिए तैयारियां कुछ नहीं, महक इज अ प्रोफेशनल एक्टर, शी नो हाउ टू परफॉर्म ऑन कैमरा। मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था बट शी मेड मी कंफर्टेबल, मैं कहीं पे गलत होता था तो शी करेक्ट्स मी एंड जो भी हुआ पे सामने निकल कर आ गया। मेहनत हुई थोड़ी सी, कई बार हमें टेक्स बार बार लेने पड़े, कई बार हंसी आती थी, कई बार थोड़ा इरिटेशन भी होता था, बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज गुड एंड आई एम हैप्पी विद इट। थैंक यू।